गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू इकराइस एंड माय नेम इज विजय त्रिपाठी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ फ्यू मोर टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर। तो ये करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप पढ़ के क्या कर सकते हैं, जैसे इस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, एज वेल एज यू विल गेट टू नो हाउ यू विल प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स। बिकॉज एज यू हैव सीन द यूपीएससी पेपर्स, जो भी मेन्स चल रहा है उसमें आप देखेंगे कि देर आर मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट, GS3, GS2 या GS1 हो, बहुत सारे क्वेश्चन करंट बेस्ड आते हैं। दैट्स व्हाई करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। और वो जो करंट और बेसिक का जो डाइकोटोमी है, जो एक आर्टिफिशियल डाइकोटोमी क्रिएट किया जाता है, कि माना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर एंड वन इज लाइक बेसिक, बट द थिंग इज ये बेसिक ही तो है। जैसे कि ये ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो ये आपके बेसिक सिलेबस का पार्ट हो गई है। अब ये करंट अफेयर का रोल क्या होता है, करंट अफेयर समझ लीजिए आपके लिए गाइड के तरीके से काम करेगा। इट विल गाइड यू कि वेदर यू हैव टू रिवाइज इट दिस ट्रांसजेनिक क्रॉप टॉपिक और नॉट। मतलब आप एक जनरल ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल तरीके से पढ़ के चले जाते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप को, अगर वो न्यूज में नहीं आता, बट इफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इन न्यूज देन यू हैव टू डिग डीपर। आपको फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ना पड़ेगा उसको। तो ये रोल होता है हमारे करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर समझ लीजिए आप इंटीग्रेट करते जाइए अपने बेसिक, जो बेसिक आपका नोट्स है उसके साथ इंटीग्रेट करते जाइए, तो आपको आगे जाके हेल्प करेगा। तो आज जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो एक देखिए यूपीएससी में एक और चीज आपको हम लोग बताते हैं कि जैसे देखिए कि होता क्या है, प्रीलिम्स में कई बार क्या होता है ना कि कोई ऐसा कीवर्ड आ जाता है, कोई ऐसा नाम आ जाता है जिसे हम लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं या उसका आंसर नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया कीजिए, जैसे पहले आप टॉपिक पढ़े ट्रांसजेनिक क्रॉप, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो यू कैन डिकोड। जैसे आप डिकोड कैसे कर सकते हैं, जैसे ट्रांस जेनिक, अब अगर आप ज्योग्राफी का ट्रांस हिमालय, तो आप जो है जैसे ट्रांसजेंडर, तो जनरली ट्रांस का मतलब होता है कि थोड़ा हटके, थोड़ा अलग, ट्रांस। और जेनिक, जेनिक को आप मतलब जीन, तो ऐसा क्रॉप जिसमें ऐसा जीन हो जो कि थोड़ा हट के हो, मतलब एक आउटसाइड जीन को इंट्रोड्यूस करना प्लांट के जीन में, जो क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप है उसके जीन में एक आउटसाइड, अगर उसका जीन उसमें एक जीन जो है वो आउटसाइड का रहेगा, और ये जो जीन है उसका रोल क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लांट के किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को वो क्या करेगा, वो बढ़ाएगा या घटाएगा, जो भी करेगा वो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लांट को वो पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकता है या क्लाइमेट रेजिस्टेंट बना सकता है, या उसमें ऐसा हो कि पानी उसमें कम लगे, वाटर इनटेक कम हो और फिर भी आउटपुट ज्यादा रहे, या ग्रेन के साइज को बड़ा कर सकता है। तो बहुत सारा चीज कर सकते हैं आप ट्रांसजेनिक क्रॉप को। तो इसको कह सकते हैं ना डिजाइनर क्रॉप, समझ लीजिए कि डिजाइनर हो जाएगा, ये डिजाइनर क्रॉप हो जाएगा। अब डिजाइनर क्रॉप जो आपका होता है, ऐसे ही कंसेप्ट आता है, एक डिजाइनर बेबी का भी कंसेप्ट आता है, डिजाइनर बेबी। जैसे कि आप थ्री पेरेंट बेबी का आप सुनोगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है एक फीमेल से हम लोग लेते हैं और उसको दूसरे फीमेल के सेल में डाल देते हैं, और फिर जो है उसको स्पर्म और जो ओवम होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो चाइल्ड बनेगा उसमें आपका एक डिजाइनर बेबी, अब वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट किसी जीन का, उस किसी प्लांट का, किसी एनिमल का, जिसको हम लोग हाईलाइट करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक, मींस एक पर्ट बाहर का जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको इंट्रोड्यूस करके कुछ और फीचर्स उसमें हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंटली जो है ये हमारा एक बेसिक ये कंसेप्ट है इसका। ठीक है, अब इस बेसिक कंसेप्ट को आगे पढ़े कि होता क्या है। अब इसमें देखिए जैसे ये साइंस एंड टेक का कहिए है पार्ट, थोड़ा थोड़ा कहिए एग्रीकल्चर का पार्ट है, थोड़ा आपका ये जो है इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा और एथिक्स का भी पार्ट हो जाएगा। देखिए जो ट्रांसजेनिक क्रॉप होता है, इसमें क्या होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जो है ना, वो क्या होगा कि वो जो एक GAC अप्रूवल दिया था उसको लोग माने नहीं। क्या, किस लिए नहीं माने, कि एक नया काइंड ऑफ कॉटन सीड को वो लोग टेस्ट करना चाहते थे, नए काइंड के कॉटन सीड को टेस्ट करना चाहते थे वो लोग, फिर क्या हुआ, डिफर्ड द प्रपोजल। अब पहला तो ये पॉलिटी का एस्पेक्ट है कि कैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये क्यों उसको मना कर दिए। तो देन यू विल गो टू दिस सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल। तो इस सेवेंथ शेड्यूल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो एग्रीकल्चर कहाँ आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, तो इससे इनको पावर मिल जाता है किसी एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पॉलिटी का एस्पेक्ट आप देखेंगे।
उसके बाद हुआ क्या, देखिए अब उसके बाद हुआ क्या कि मना कर दिया। अब अगर आप इतना न्यूज पढ़ रहे हैं तो देन यू हैव टू देन रीड अबाउट व्हाट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप, उसका पर्पस क्या होता है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, और इंडिया में क्या स्टेटस है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वील मूव टू द बेसिक डेफिनेशन, व्हाट आर ट्रांसजेनिक क्रॉप। रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म और सेल हूज जीनोम हैज बीन ऑल्टर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन डीएनए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉरेन डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन डीएनए होगा वहां पे, वहां पे, ठीक है। सीक्वेंसेस फ्रॉम अनदर स्पीसीज बाय आर्टिफिशियल मीन्स। अब देखिए, एक जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक होता है और एक ट्रांसजेनिक क्रॉप होता है, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें आप उसके जीन में मॉडिफिकेशन करेंगे तो जो भी क्रॉप, आप कोई भी क्रॉप या एनिमल किसी के जीन में अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो वो सारा जो है क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर उस मॉडिफिकेशन में आप कोई फॉरेन डीएनए इंक्लूड कर रहे हैं, फॉरेन जीन ले आ रहे हैं उसमें, उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन में आप फॉरेन जीन अगर ले आ रहे हैं तो उसको हम लोग कह देंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो अगर हम ऐसे देखें कि हमारा जो जीएमओ है वो ये है और ट्रांसजेनिक क्रॉप ये हो जाएगा, मतलब सारा ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है, ऐसा नहीं होता कि सारा ट्रांसजेनिक क्रॉप वो जीएमओ होगा, लेकिन सारा जीएमओ ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं होगा। होप यू गॉट द आइडिया कि जीएमओ और ट्रांसजेनिक क्रॉप में क्या बेसिक एक डिफरेंस है। तो आई मीन्स ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ जीएमओ, इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ जीएमओ, ठीक है। तो ये जब हमारा, आप ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशन आप देखने के बाद ये देखेंगे कि हमारे पास अभी क्या है, बीटी कॉटन जो है हमारे यहाँ, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो बीटी कॉटन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, मीन्स इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको हम लोग जो है यूज करते हैं और उसमें हम लोग कॉटन पैदा करते हैं। अब तक इसके बाद जो है कोई दूसरा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ जो है अलाउ नहीं किया गया है, एग्रीकल्चर में हमारे पास कोई भी और जीएम क्रॉप नहीं है। अब इसमें होता है इशू क्या होता है, जैसे बीटी कॉटन है तो इसमें एक कॉटन निकलता है और इसका फिर सीड होता है, इसका कॉटन निकलता है और सीड होता है। तो कॉटन क्या होता है, कॉटन तो खाते हैं नहीं हम लोग, उसका कपड़ा बन जाता है, तो चलिए कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन अभी जनरली देखा ये गया ना, गुजरात वगैरह, गुजरात रीजन में क्या देखा गया है कि सीड से ऑयल निकाल रहे हैं लोग, सीड से ऑयल निकाल रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इवन दो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग जो है इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक इशू है ये, तो ये भी एक इमर्जिंग इशू है, ठीक है। अब स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया, आप देखिए इसमें क्या है कि एरे ऑफ लाइक जैसे ब्रिंजल, टोमेटो, मेज, चिक्पी, ये सब जो है वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। इसको जो है बहुत तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है, किसी को फील्ड ट्रायल के लिए दिया जा रहा है, किसी को किसी अलग स्टेज पे डेवलपमेंट पे है, ठीक है। ऐसे ही देखिए DMH 11, इसको यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछा था एक बार, DMH 11 पे। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे क्रॉप्स में इस रिसर्च हो रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ अलाउड क्या है, सिर्फ कॉटन, हमारे यहाँ क्या अलाउड है, कॉटन, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद बीटी ब्रिंजल, अभी बीटी ब्रिंजल भी फुल स्केल अलाउड नहीं किया गया है बीटी ब्रिंजल को, तो अभी हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन अलाउड है, ठीक है। तो देखिए रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, अब जब आप एक साइंटिफिक एस्पेक्ट पढ़ लिए ट्रांसजेनिक क्रॉप का या जीएम क्रॉप का, उसके बाद आप ये भी देख लिए स्टेट का क्या रोल है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका जीएम क्रॉप का रेगुलेशन इंडिया में उसका क्या स्ट्रक्चर है, जीएम क्रॉप का रेगुलेशन है उसका क्या, इंस्टीट्यूशन कौन से इन्वॉल्व है, उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेबल एक्ट्स एंड रूल्स, कौन कौन से एक्ट्स एंड रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ये क्या करेगा ना, जो यूपीएससी है वो क्या करेगा, पूछ देगा कि जीएम क्रॉप जो है कौन कौन से एक्ट्स जो है वो डील करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से या ट्रांसजेनिक क्रॉप से। तो सबसे पहले ऑब्वियस क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देयर आर रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड हैजार्डस ऑर्गेनिज्म अंडर ईपीए, तो ये ईपीए में ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। उसके बाद हमारा प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, देन जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड है वो नोटिफाई करता है, क्यों फॉरन ट्रेड से क्या रिलेशन है, कि अगर हम किसी और कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं जीएम क्रॉप, तो ये भी अगर इंडिया में कोई, मान लीजिए इंडिया में कोई क्रॉप अलाउड नहीं है, उसको यहाँ उगाना, यहाँ पे उसका ट्रायल करना। अब मान लीजिए कि यही क्रॉप हम लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कौन रूल करेगा उसको, डीजीएफटी का नोटिफिकेशन आएगा। और ऐसा भी ना हो कि कोई जीएमओ क्रॉप चुपचाप अंदर आ जाए, छुपा के लोग ले आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली जीएमओ है उसका बहुत सारा रिपरकशन हो सकता है। अभी भी साइंटिस्ट पूरा एग्जैक्टली नहीं जान रहे हैं कि इसका बहुत पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो बहुत सारा उसका रिपरकशन हो सकता है, तो इस पर स्टडी करने की जरूरत है। एंड मोर ओवर जो हमारे यहाँ इन्वेजिव स्पीसीज है, इन्वेजिव स्पीसीज, आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे इन्वेजिव स्पीसीज,
जैसे इनवेजिव स्पीसीज क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा स्पीसीज जो हमारे इकोसिस्टम में, जैसे एक हमारा इकोसिस्टम चल रहा है, इकोसिस्टम मोर और लेस बैलेंस होता है क्योंकि उसमें फूड चेन अपना बना रहता है, एक चेन बना रहता है कि लायन है तो लायन इसको खाएगा, और ऐसा करके फूड चेन बना हुआ, फूड वेब बना हुआ है, और वो इकोसिस्टम मोर और लेस बैलेंस है अनलेस एंड अंटिल उस इकोसिस्टम में कोई बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इनवेजिव स्पीसीज क्या करता है, इस फूड चेन में आ जाएगा वो, और वो क्या करेगा, उसको खाने वाला कोई नहीं रहेगा, और ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा सारे उसको, मीन्स इसका साइज जो है साइज बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो साइज जब इसका बढ़ेगा तो सारे रिसोर्सेस को जो इन्वायरमेंट में ना, सारे रिसोर्सेस को इन्वायरमेंट में वो क्या करेगा, ज्यादातर रिसोर्स, क्योंकि इन्वायरमेंट में लिमिटेड रिसोर्स है ना, जिस इकोसिस्टम में वो लोग रह रहे हैं वहाँ लिमिटेड रिसोर्स है, तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्स अगर ये यूज करने लगेगा तो और सारे क्रॉप्स को इफेक्ट करेगा वो चीज। तो ये जो जीएमओ है ये भी थ्रेट रखता है कि इनवेजिव स्पीसीज को बढ़ा सकता है। देन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSAI, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो रेगुलेशन में हमारे है, ठीक। एंड देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1988। तो इस सारे एक्ट को एटलीस्ट आप एक बार जो है उसको लिख लीजिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जीएम क्रॉप्स अभी ये एक्ट जो है उस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर अभी आप देख रहे हैं तो इसको आप क्या कीजिए कि इसको चुपचाप आप जो है इसको एक नोट करते रहिए थोड़ा थोड़ा कि ये रूल है। नाउ इंडिया रेगुलेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू जीएमओ एंड प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मींस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये चीज आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे स्टेजेस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, तो दो मिनिस्ट्री हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल है जीएम क्रॉप को लेकर के, ठीक है। ढेर सारे बॉडीज हैं रिलेटेड, किसके रिलेटेड, जीएम क्रॉप के रिलेटेड ढेर सारे बॉडीज हैं। जैसे देखिए पहले तो ये देखिए, ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे ऑब्वियसली इन्वॉल्व रहेंगे, ये सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है हमारे जीएम क्रॉप के रेगुलेशन में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या करता है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के जीएम क्रॉप के रेगुलेशन जरूरी है। देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ये बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जीएमओ का यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। मीन्स दीज आर स्टेक होल्डर्स अदर देन पब्लिक सिटीजन, दीज आर स्टेक होल्डर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है, क्यों, क्योंकि जीएम क्रॉप्स, जहाँ क्रॉप्स की बात होगी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बिकॉज जीएम कुड हैव इंडस्ट्री ट्रेड, अभी आपको बताया ट्रेड रिलेटेड कि बाहर से कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम रेवेन्यू फाइनेंस, ये भी ट्रेड रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए मेन बॉडीज क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमिटी, ये एडवाइजरी नेचर का होता है। देन इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब नाम आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के एग्जामिनेशन में। क्योंकि देखिए मेंस एग्जामिनेशन में मान लीजिए कोई जीएम क्रॉप के ऊपर कोई आपका वो आ गया, केस स्टडी आ गया GS4 में, GS4 में कि आपका केस स्टडी जीएम क्रॉप के ऊपर आ गया, तो उसमें अगर आप कुछ, आपको कुछ आंसर देना होगा, कुछ उसमें लिखना होगा, तो देन यू हैव टू राइट अबाउट दिस कि अच्छा अगर हम, आप किसी बॉडी से जाकर एडवाइस लेंगे, तो अगर आपको बॉडी का नाम नहीं पता तो किससे एडवाइस लेंगे, देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट बॉडी, ओके आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर बॉडी एंड आई विल टेक द एडवाइस ऑफ दैट बॉडी, ओके। सो ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज बॉडीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, मीन्स स्टेट लेवल पे भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल एंड ये क्या करते हैं मॉनिटरिंग। तो ये एडवाइजरी अप्रूवल के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, देन रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड देन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये सारे जो है अप्रूवल की है और बाकी सब मॉनिटरिंग के लिए है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज बॉडीज इन वेरी शॉर्ट। जैसे कि ये बॉडी हमारा आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो ये हमारा बॉडी किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। देर आफ्टर इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, अब देखिए इसका काम क्या है कि रिव्यू डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल रिकमेंडेड एंड सेफ्टी रेगुलेशन जो है आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आप काम अगर उसका पता रहेगा आपको बेसिक, ये क्या करेगा, ये रिव्यू करेगा डेवलपमेंट को, और इसका मोर ओवर इसका काम क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें एडवाइजरी, इसका काम क्या है, एडवाइजरी, एडवाइजरी नेचर, ठीक है।
किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, नाम क्या है और उसका बेसिक एक फंक्शन क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए। देन इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, इट इज मैंडेटरी फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन आरडीएनए एक्टिविटीज। ये आरडीएनए क्या होता है, वही सेम चीज जो है, जो ट्रांसमिट जेनेटिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन को रिकमेंडेड डीएनए एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। तो इट इज मैंडेटरी मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरडीएनए के को लेकर रिसर्च कर रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आपको इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी को बनाना पड़ेगा। अब जैसे इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे एक तो पहले बात प्रीलिम्स में पूछ सकता है आपको, या मेंस में आपको पूछ सकता है। प्रीलिम्स से पूछ सकता है, मेंस से पूछ सकता है। उसके बाद क्या हुआ है कि इसमें आप देखिए, भाई ने बोला कि GS4 के पेपर में, GS4 के पेपर में आप एक अगर केस स्टडी आता है तो आप स्पेसिफिकली अगर उस बॉडी को मेंशन कर रहे हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स दिस इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं बनाया है, देन यू कैन मेंशन कि दैट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट शुड फॉर्म इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी। तो ऐसे ही आप ये तो एक साइंस एंड टेक एग्रीकल्चर का एक कमिटी हो गया। ऐसे ही करते करते अपना बहुत सारा चीज जो है धीरे धीरे GS4 के लिए तैयार करिए। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई कोई वेमेन के ऊपर या कोई ओल्ड एज के ऊपर या कुछ भी अगर आता, तो उसमें आप अगर स्कीम्स लिखते हैं गवर्नमेंट का या प्रोग्राम्स लिखते हैं, या जैसे मान लीजिए सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस, उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होता है। तो ये सब नाम, स्टैंडर्ड नाम अभी से याद करना शुरू कर दीजिए, स्टैंडर्ड नाम अभी से याद करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा आंसर राइटिंग में। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग अटेरेंस टू आरडीएनए सेफ्टी गाइडलाइंस एंड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दो बॉडी हो गए। अब देखिए रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड अगेन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट गाइडलाइंस स्पेसिफाइंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ जीएमओ रिसर्च एज वेल एज प्रोडक्शन सेल एक्सेट्रा, ये गाइडलाइन निकालता है। तो बेसिक बेसिक फंक्शन आपको याद रखना है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये ऑथराइज टू रिव्यू मॉनिटर एंड अप्रूव ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट रिसर्च इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। तो इसको आप दिमाग में रखिए इस चीज को। देन स्टेट लेवल पे भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आपको नहीं पता कि ये स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, तो ये भी आप अपने रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को भी एम्पावर करना चाहिए कि लोकल लेवल पे देखें कि ऐसा कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है या स्टेट, क्योंकि देखिए कई बहुत बार ऐसा हुआ है कि फार्मर्स जो है वो वैरायटी पा जाते हैं चुपके से और वो उगाने लगते हैं, तो ये इलीगल है ना, वो इलीगल हो जाएगा। तो इसमें रोल कहाँ आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का और स्टेट वाइज टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी का आता है रोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं और इसी तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं अपना। इसी तरीके से अगर करंट अफेयर का नोट्स बना रहे हैं तो देखिए ये सब जो चीजें हैं, दीज आर ऑफ स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक, दीज आर स्टैटिक इन नेचर, एंड नाउ यू आर क्लबिंग इट विद करंट अफेयर। व्हाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज ऑफ दैट दिस फ्यू स्टेट्स रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ जीएसी, ठीक है। तो दिस वॉज इन न्यूज एंड दिस इज द स्टैटिक पोर्शन। सो इफ इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू विल राइट एवरी टाइम दीज बॉडीज इन ऑल, वॉट यू कैन डू लाइक यू हैव इफ यू आर यू हैव स्टडीड ओके जीएम क्रॉप और ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज इन न्यूज, यू रीड इन द न्यूज पेपर। नाउ आफ्टर रीडिंग द बेसिक डेफिनेशन एंड ऑल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप, इफ यू हैव स्टडीड दिस, इफ यू हैव मेड नोट ऑफ दिस मीन्स दिस स्टैटिक पोर्शन, देन वॉट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो टू योर नोट, यू कैन जस्ट गो टू योर नोट एंड एड the new information that you have got from this news. So, what I suggest to the students that while making notes, if you are making notes of the basic static portion, so just leave 30% of the paper blank on the margin, 30% paper blank. You should write here and leave 30% blank so that when you are reading some new article, new news, you got some new information, you got some changes, then you can add there, then and there only. So instead of making different notes, try to consolidate your notes. That will help you in revision. It will extremely help you in revision. And revision is the only key whereby you will get selected in this examination. Without revision, there is no chance of being selected. Okay. So, and to revise, you need effective means. कई बार क्या होता है ना कि आपको एक सोर्स से पढ़ने से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आपको ये याद रहेगा उस किताब के कोने में ये लिखा हुआ था, जो विजुअल मेमोरी काम आती है उस समय कि अरे यार कोने में तो ये लिखा था, तो शायद ये कमेटी नहीं, ये कमेटी था उसका, या उसका आंसर ये था, ठीक है। तो एक सोर्स शुरू से ही कोशिश कीजिए, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी,
एक कंसोलिडेटेड सोर्स बनाइए, रादर देन स्कैटर्ड डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज मत बनाइए, एक कंसोलिडेटेड सोर्स बने। अगर आप ये आपको मुश्किल लग रहा है ऐड करना डे बाय डे पे, तो आप क्या कीजिए कि आप अपना एक बेसिक तो जो नोट्स बना रहे हैं, तो फिर एक अलग कॉपी में अगर आप करंट का बना रहे हैं, देन ट्राई टू इंटीग्रेट, जब भी आप रिवाइज करिए तो ये टॉपिक को इंटीग्रेट करके चलते रहिए। व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग देन ट्राई टू इंटीग्रेट द स्टैटिक एज वेल एज बेसिक करंट अफेयर, बिकॉज एक बार बार जो स्टैटिक का रिविजन आपका जाएगा ना, जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो यू विल फ्रीक्वेंटली रिवाइज दोस टॉपिक्स, उससे क्या होगा धीरे 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 आपका बेसिक स्टैटिक पोर्शन है वो ऑलमोस्ट आपके दिमाग में हो जाएगा रहेगा, देन यू विल नॉट बी नीडिंग एनी फर्दर रिविजन। अब क्या होगा जब प्रीलिम्स आप देने जाएंगे उसी समय एक दो रिविजन दे देंगे, आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको करना ही है, उससे पहले यू हैव टू मेक अ कंसोलिडेटेड नोट्स, और वो नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप एक बार उसी से रिवाइज कीजिए, बार बार नोट चेंज मत कीजिए। बार बार चेंज करने से क्या होगा कि आपको एफर्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा और वो विजुअल मेमोरी बिल्ड नहीं होती है। तो अभी से अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर है तो एक नोट्स बनाइए, और एक नोट्स बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, नोट्स हमेशा आप अपने लिए बनाइए, उसको छपवाने के लिए नहीं बनवा रहे हैं, तो वो नोट्स आपके लिए यूटिलिटी होना चाहिए, रादर देन कि आप एकदम परफेक्ट सजा के वो नहीं करना है। जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा नोट्स बनाते चलिए। कुछ एरो दे करके इंफोग्राफिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि कौन कौन से मिल। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इसी इस पूरे इसका आपको नोट्स बनाना होता मैंडेट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, तो आप चुपचाप सीधे क्या लिखते हैं जीएम क्रॉप मिनिस्ट्रीज, देन नेम ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज देते हैं और उसको थोड़ा एक एक काम दे देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली बहुत क्रिस्प फॉर्म में नोट्स बन जाता है। फूड सिक्योरिटी ये दोनों चीजें इंटरेस्टिंगली लिंक्ड है, क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी। भाई देखिए पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, देन द पॉपुलेशन का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है पॉपुलेशन का, दो चीज। तीसरा चीज जो है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू मिस अलाइंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, वो क्या हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और सॉयल हेल्थ पे भी इशू आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ओवरऑल समझ लीजिए पॉपुलेशन जो हमारा एक जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंट रेनफॉल या अनटाइमली रेनफॉल हो रहा है, अनटाइमली रेनफॉल हो रहा, और रेनफॉल क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है मेजरली वो रेनफॉल डिपेंडेंट है। अब इसको देखिए हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चर है, ठीक है एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ रेनफॉल डिपेंडेंट, मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज रेनफॉल डिपेंडेंट, ठीक है। अगर अब रेनफॉल में कुछ ऊंच नीच आएगा देन इट विल अफेक्ट, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द आउटपुट, आउटपुट इफेक्ट होगा तो वो क्या होगा कि हमारा फूड सिक्योरिटी पे इश्यू आएगा, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। नहीं अब ये रेनफॉल डिपेंडेंट है, अब रेनफॉल में जो ये चेंजेस आ रहे हैं जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बस फिर एक ये दूसरा इशू आप देखिए कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या होता है उस क्रॉप को क्लाइमेटिकली जो है उसको अलाइन नहीं करते हैं, उसका उसका जो प्रोडक्शन है या कल्टीवेशन है उसको क्लाइमेटिकली अलाइन नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइस या पैडी, ये सेम थिंग है दोनों। तो राइस और पैडी जो है इसका हम लोग प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं पंजाब या हरियाणा में हम लोग कर रहे हैं, और भी जगह हो रहा है लेकिन पंजाब हरियाणा में भी इसका प्रोडक्शन होता है। राइस और पैडी जो है एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इट इज वाटर गजलिंग प्लांट, मीन्स आप समझिए 2,500 से लेकर के 5,000 लीटर तक पानी लगता है एक केजी राइस में इतना पानी लगता है, सोचिए आप इतना पानी लग रहा है उस रीजन में जो कि जनरली वाटर डिफिशियंट रीजन है वहां पे। इसके कारण क्या है कि आर्टिफिशियल इरिगेशन टेक्निक बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, और दूसरा चीज क्या हो रहा है कि ये राइस प्रोडक्शन जो अगर हम क्लाइमेटिकली अलाइन कर दें, अब जैसे जो पंजाब हरियाणा है, पंजाब हरियाणा में अगर हम कोई और क्रॉप उगाए जिसमें पानी की उतनी जरूरत नहीं है तो वहां पे क्या होगा आर्टिफिशियल इरिगेशन या पानी का उतना कंजम्पशन होगा नहीं, तो उससे क्या होगा कि हम लोग कोई और क्रॉप वहां उगा सकते हैं। और इस राइस को हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे रीजन में उगाएं जहाँ ऑटोमेटिक नेचुरली रेनफॉल ज्यादा होता हो, जहाँ पे नेचुरली मानसून ज्यादा रेनफॉल करता है, तो इससे क्या होगा हमारा जो क्लाइमेटिकली अलाइंड एक क्रॉपिंग पैटर्न बनेगा, ठीक है।
तो हमको उसे फिर जब क्लाइमेटिकली अलाइंड क्रॉपिंग पैटर्न बनेगा तो हमारा आउटपुट जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम क्लाइमेटिकली अलाइंड क्रॉपिंग पैटर्न नहीं बनाएंगे देन अगेन आउटपुट इफेक्ट होगा एंड देन अगेन इट विल लीड टू फूड इनसिक्योरिटी। ठीक, उसके बाद ये जो आउटपुट तो एक चीज है ही, दूसरा चीज इसके कारण क्या हो रहा है, सॉयल पे भी, सॉयल भी डिटोरिएट हो रहा है, सॉयल का कंडीशन भी खराब हो रहा है, तो वो भी देन इट विल लीड टू फूड सिक्योरिटी। ये सारे इश्यूज है। अब देखिए इसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप कैसे हेल्प कर सकता है, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप टेस्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा जो लगता है, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या कर सकता है, पेस्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि प्लांट के जीन में एक पर्टिकुलर जीन ऐड कर दिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन ऐड कर दिया। अब उस जीन से क्या हो रहा है कि जब भी कोई कीड़ा इसके पास आ रहा है तो उसको, मतलब पहले मान लीजिए वो प्लांट बहुत टेस्टी लगता था उस कीड़े को, अब उस जीन को ऐड करने से क्या होगा ना, वो प्लांट एकदम उसके लिए टेस्टी नीम हो जाएगा, उसके लिए कड़वा हो जाएगा, तो वो खाने की कोशिश नहीं करेगा। जब खाने की कोशिश नहीं करेगा तो इम्पैक्ट, मतलब प्लांट पे उतना पेस्ट का इम्पैक्ट नहीं होगा। एक दूसरा चीज, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड जो अगल बगल हर्बिसाइड उग जाते हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन स्ट्रेस या कोल्ड रेजिस्टेंस, जैसे कि वो प्लांट अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कोल्ड में नहीं रह सकता, जैसे कि 210 डेज चाहिए कॉटन को फ्रॉस्ट फ्री डेज, फ्रॉस्ट फ्री 210 दिन में कोई बारिश, कोई बराबर कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि ठीक है कोई ऐसा हम लोग उसमें जीन लगा दें जिससे क्या हो कि ये जो 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री है वो ये कंडीशन में हट जाए, प्लांट अपने आप टॉलरेंट हो जाए, और या डिलेड राइपनिंग, उसका हम लोग जो है राइपनिंग डिले कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इससे क्या होगा, इम्प्रूव्ड फार्मिंग होगा, जिससे कि चीपर फूड मिलेगा और मोर फूड मिलेगा, चीपर फूड और मोर फूड। तो चीपर फूड वाइज, बिकॉज हमारे यहाँ पॉवर्टी है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो हमको चीपर फूड चाहिए, और मोर फूड क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। ऐसे इंक्रीज न्यूट्रिशन, अब इंक्रीज न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, क्योंकि आप जानेंगे कि NFHS 5 का जो सर्वे है उसमें ये दिखाया है कि मोर देन 50% ऑफ वेमेन आर एनेमिक, 30-40% जो हमारे बच्चे हैं वो अंडर वेट है, किसी को स्टंटिंग है, तो बहुत सारा वास्टिंग है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए हमको क्या है, न्यूट्रिशियस प्लांट चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, न्यूट्रिशियस प्लांट चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, तो इसमें हमारा जेनेटिक जो है, ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो हमारा हेल्प कर सकता है, या प्लांट फार्मास्यूटिकल, प्लांट बेस्ड जो है मेडिसिन भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप से या GMO से, ठीक है। दिस थिंग्स कैन बी डन, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसजेनिक बेनिफिट। लेकिन कंसर्न भी है, बहुत सारे कंसर्न, जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब GM फ्रूट क्या ना, समटाइम्स डिस्पाइट देयर इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रेस्टिज, बिकॉज एम्फेसिस इज ऑफन प्लेस्ड ऑन एनहांसिंग सर्टेन ट्रेट्स। जैसे मान लीजिए एक क्रॉप था, एक कोई फ्रूट है, एक फ्रूट है, और उस फ्रूट में विटामिन, ढेर सारे विटामिन मिनरल्स और ऑल सब पाए जाते थे। अब मान लीजिए क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फ्रूट में हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रांसजेनिक कोई बाहर का जीन लाके ऐड करते हैं, और उसमें हम लोग आयरन का कंटेंट बढ़ा देते हैं, बहुत आयरन का कंटेंट बढ़ा देते हैं, तो उससे होता है आयरन तो चलो मिल रहा है लेकिन जो और भी विटामिन मिनरल्स है ना उस पर फोकस चला जाता है। मतलब वो कैसे हो रहा है, ओके आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ, डोंट वरी। तो वो क्या हो रहा है कि इसमें जो है हमारा अलग जो और भी न्यूट्रिएंट है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। दूसरा, रिस्क टू इकोसिस्टम। अब GM क्रॉप से क्या हो रहा है, इकोसिस्टम को भी रिस्क है, मतलब जैसे आपको बताया हम कि इनवेजिव स्पीसीज है, बहुत सारे रिस्क है इसमें, अभी भी स्टडीज पे चल रहा है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इंडेंजर्ड एनिमल को इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसे जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग दिए कि पेस्ट रेजिस्टेंट का एग्जाम्पल जो दिए थे, पेस्ट रेजिस्टेंट, अब मान लीजिए वो पेस्ट जो पहले आता था और इसको खा नहीं रहा था, तो वो क्या करता है धीरे धीरे रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है इस चीज को, कि ठीक है कोई बात नहीं तुम ये डालो हम खाएंगे उसको, तो पेस्ट रेजिस्टेंस जो वो क्या होगा, ये जो अपने आप में क्या करेगा, जो पेस्ट है वो खुद भी अपने आप को चेंज करेगा और चेंज करके फिर उस पर अटैक करेगा, तो फिर हमको दोबारा कोई दूसरा जीन उसमें लगाना पड़ेगा, समझ रहे बात को। तो ये सारे इश्यूज हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप पे। तो फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है, अभी खुद दोनों, मतलब अभी आप इसके बारे में पॉजिटिव भी लिखेंगे, इसके बारे में नेगेटिव भी लिखेंगे। आप ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में उसका बेसिक डेफिनेशन जाने, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि जब बाहर का जीन आकर के हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उस GMO और ट्रांसजेनिक में अंतर क्या है, GMO होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब उस ऑर्गेनिज्म के जीन में कोई भी छेड़छाड़ अगर आप करेंगे तो वो GMO हो जाएगा। जैसे क्रिस्पर कैस नाइन एक टेक्निक था इसमें कि अगर मान लीजिए इसका जीन है तो जीन का एक पर्टिकुलर पार्ट हिस्सा आप काट के निकाल सकते हैं, तो ये क्रिस्पर कैस नहीं, तो इसको कह देंगे हम लोग GM क्रॉप है, GM ऑर्गेनिज्म। तो GM ऑर्गेनिज्म ब्रॉड टर्म है, और ट्रांसजेनिक वैसा टर्म है, इंडेंजर्ड, ओके इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो
ट्रिस्ट टू जीन प्रेफरेंस टेस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल कैन इंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक माइस और डियर दैट कैन कंज्यूम क्रॉप डेब्री लेफ्ट इन क्लीन लाफ्टर हार्वेस्ट। होता क्या है ना कि जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि जीएम क्रॉप को हम लोग बना रहे हैं प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बोले थे प्लांट फार्मास्यूटिकल, तो उस प्लांट के एक पर्टिकुलर ट्रेट को हम लोग बढ़ा करके मान लीजिए कुछ मेडिसिन ड्राइव कर रहे हैं। अब वो प्लांट नहीं ग्रो कर रहा है, वो प्लांट नहीं ग्रो कर रहा है, तो उस प्लांट को क्या होता है ना कि वो जब एक पर्टिकुलर मेडिसिन मान लीजिए कोई उसमें केमिकल इनहेंस किए हम लोग, वो तो केमिकल ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल था। अब वहां जो अगल बगल रहने वाले माइस और छोटे छोटे एनिमल है वो क्या है कि वो भी इस प्लांट को कई बार खा देते हैं, और खाने से कारण क्या होता है उनको उनका हेल्थ एंडेंजर्ड होता है। तो इसलिए इन्वायरमेंटली भी जो है सस्टेनेबल कई केसेस में नहीं होता है, मीन्स इकोसिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही कई बार प्लांट को यूज किया जाता है प्लास्टिक बनाने में, तो वो जो मटेरियल है वो सब मटेरियल अगर वो इंजेस्ट कर लेंगे जो छोटे छोटे हमारे एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए भी वो इश्यू होगा। ठीक है, तो इससे आप बस हेडिंग हेडिंग याद कर लीजिएगा, हेडिंग हेडिंग याद कर लीजिएगा, हेडिंग के बाद आप अपना उसमें एक दो सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है तो ये हम लोग पढ़े जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक, आप बेसिक चीजें जान लिए। एंड सर व्हाट इज स्टंटिंग दैट यू मेंशनड इन स्टंटिंग, देखिए क्या होता है ना फास्टिंग अंडरवेट और स्टंटिंग, ये तीन टाइप के वो होते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को मेजर करने का होता है। स्टंटिंग मतलब छोटा हाइट कम हो जाती है जो है हाइट बच्चों की, किसी किसी बच्चों को देखते हो ना हाइट बहुत कम रहती है उनके एज के हिसाब से, तो उसको स्टंटिंग कहते हैं बहुत छोटा हाइट। और अंडरवेट में क्या होता है कि उनका वेट कम हो जाता है उनके एज के हिसाब से, और वास्टिंग में क्या होता है उनकी वेट कम होता है हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो वेस्टिंग ये आप NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है वो आप इसको डेटा, ये इंपॉर्टेंट NFHS 5 जो है डेटा वो चिल्ड्रन के मेल न्यूट्रिशन को, चिल्ड्रन के जो मेल न्यूट्रिशन है उसका तीन मेजर होता है वास्टिंग अंडरवेट एंड स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब हाइट कम होना। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आप क्या करेंगे इधर ट्रांसजेनिक क्रॉप का बेसिक बेसिक आप कंसेप्ट जानेंगे, कंसेप्ट जानने के बाद बॉडीज जो रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, और उसका कुछ पॉजिटिव जानेंगे कुछ का नेगेटिव जानेंगे, तो इस तरीके से आपका एक मिक्स तैयार हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए कि अब जैसे क्या है ट्रांसजेनिक क्रॉप में मान लीजिए आगे चल के कुछ और न्यूज आता है, जैसे इसमें कोई ऐसा ट्रांसजेनिक क्रॉप बन गया जो कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, आप इंडिया में नहीं आप मान लीजिए कहीं और भी देखते हैं इस चीज को, सिर्फ इंडिया में नहीं, मान लीजिए आप द हिंदू में या किसी आप कहीं जगह कहीं न्यूज आप पढ़े, अब न्यूज में आप पढ़ रहे हैं कि ये कोई पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक वैरायटी जो है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में कंट्री ए में वहां पे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, तो ये जो आप न्यूज रहेगा सिर्फ न्यूज रहेगा आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, अब वो न्यूज आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल कहाँ एग्जाम्पल होगा, जब आप एग्जाम्पल उसका कंसर्न लिखेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कहीं आप पढ़ते हैं कि ट्रांसजेनिक क्रॉप को कल्टिवेट करने से उस कंट्री का या उस रीजन का मेल न्यूट्रिशन में बहुत कमी आ गया, बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल वो बढ़ गया, तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप जब एक बेसिक फ्रेमवर्क अपना बना लेते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक एक स्ट्रक्चर जब आप फ्रेमवर्क बना लेंगे किसी टॉपिक का, देयर आफ्टर व्हाट यू विल डू यू विल जस्ट ऐड द करंट अफेयर्स, यू विल जस्ट ऐड द करंट अफेयर्स, एंड करंट अफेयर जब आप ऐड करेंगे मतलब वो एग्जाम्पल्स जो आप ऐड करेंगे उससे क्या होगा धीरे धीरे आपका टॉपिक बहुत मैच्योर होता जाएगा, धीरे धीरे आपको लगेगा क्योंकि इस चीज को जो जीएम क्रॉप है ट्रांसजेनिक क्रॉप है इस चीज का अगर बेसिक कंसेप्ट आप दिमाग पे नहीं रखेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट दैट न्यूज बाय योर बेसिक, दैट्स व्हाई इट्स जितनी जल्दी आप अपने बेसिक चीजों को एक बार गो थ्रू हो लेंगे उतना ही आपके लिए न्यूज़पेपर जो है वो बेनिफिशियल हो जाएगा, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट दोस थिंग्स विद द स्टैटिक टॉपिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मींस जब आपको पता रहेगा कि हाँ इस चीज का बेसिक ये है इतना तक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लाइक आई टोल्ड यू गाइज दैट यू शुड राइट 10 थिंग्स, 10 थिंग्स दैट यू लर्न, दैट यू लर्न फ्रॉम दिस एडिटोरियल। ये एक क्वेश्चनर बना लीजिए आप, जब भी आप न्यूज पढ़िए जब भी आप एडिटोरियल पढ़िए तो आप क्या कीजिए कि आप 10 थिंग 5 चीज, ठीक है तो 5 न्यू थिंग्स 10 न्यू थिंग्स। तो अभी क्या होगा ना आप 10 बहुत ज्यादा लिखते रहिए, जैसे एक पेपर लीजिए पेपर में आप 10 न्यू थिंग्स बस पॉइंट पॉइंट, ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रांसजेनिक क्रॉप पे अगर ये एडिटोरियल होता, अगर एडिटोरियल आप पढ़ते तो आप 10 चीज क्या जाने, आई लर्न अबाउट ट्रांसजेनिक क्रॉप, आई लर्न द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेनिक एंड जीएमओ, आई लर्न अबाउट द बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप,
आई लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप, आई लर्न अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप, ओके। तो इस तरीके से बस आप यही लिखिए, उसको आप 2-3-4 दिन बाद उसको फिर पेपर उठाइए और रिवाइज कीजिए, ऐसे रिवाइज कीजिए, नहीं एक्टिव रिविजन की आप उसको पढ़ रहे थे, आई लर्न अबाउट द बॉडीज ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, बॉडीज रिलेटेड टू ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कौन सी बॉडीज रिलेटेड थी ट्रांसजेनिक क्रॉप से लेकर के, समझ में। इस तरीके से आप क्या है ना, अपने ब्रेन पे एक प्रेशर डालेंगे आपको याद करने का, कैसे ये चीज है। तो आप जब भी कीवर्ड देखेंगे बॉडीज रिलेटेड टू ट्रांसजेनिक क्रॉप, आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा वो सब चीज। तो जो भी फर्स्ट अटेम्प्टर है वो क्या करें, वो इस तरीके से एक हैबिट अपना बना लें, और ये ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना भी अगर आप 1-1.5 महीना भी कर लेंगे तो आपका एक हैबिट बन जाएगा, ये चीज आपको पता रहेगा कि ये चीज मैंने नया पढ़ा, ये चीज मैंने नया पढ़ा, ठीक है। तो इस बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, बेसिक जल्दी जल्दी पढ़ना है, उसको अपने दिमाग में भरना है, उसके बाद क्या करना है करंट अफेयर्स उसको रिलेट करना है, यही यूपीएससी का प्रिपरेशन है, सिंपल फंडा यही है। जितने अच्छे तरीके से जो ये काम कर लेता है उसका उतना अच्छा प्रिपरेशन होता है, और कुछ नहीं इसमें। तो इसको जितने एफिशिएंटली आप कर लेंगे उतना ही आप कहेंगे कि आपका अच्छा प्रिपरेशन है इस एग्जाम को लेकर के, ओके। तो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आ गया, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक का पर्पस क्या होता है, कॉमर्शियल, कॉमर्स, कॉमर्स मतलब प्रॉफिट मोटिव। तो कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट मोटिव, जैसे SBI है, ICICI, सब कॉमर्शियल बैंक है। तो कुछ कॉमर्शियल बैंक शेड्यूल्ड होते हैं, कुछ कॉमर्शियल बैंक नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड, तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो कि RBI एक्ट के शेड्यूल में लिखा होता है उसको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, ठीक है, और नॉन शेड्यूल्ड जो नहीं लिखा होता है। ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो जब अर्बन अगर ऐड हो गया यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के आगे, अगर मान लीजिए अर्बन को ऐड हो गया तो यानी कि रूरल एरिया में भी कोऑपरेटिव बैंक होता होगा। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारा अर्बन एक होता है और एक रूरल होता है, ठीक है। तो अलग अलग सबका स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है क्या है, क्यों ये न्यूज में था, क्या इशू है, ठीक है। द टर्म अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो दो नॉट फॉर्मली डिफाइंड, रिफर्स टू प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया, और 1996 तक दे वर अलाउड टू लेंड मनी ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, एंड दिस डिस्टिंक्शन डज नॉट होल्ड टुडे एंड ऑल, यू कैन रीड दिस बेसिक। एज पर सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन, ठीक है। तो ये आप बेसिक डेफिनेशन आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ आपका कुछ समझाने लायक चीज नहीं है, ठीक है। दे आर रजिस्टर्ड, हाँ देखिए, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। देखिए जिस बैंक का फंक्शनिंग एक पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड है तो वो कहाँ रजिस्टर होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होगा उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होगा। बट इफ दैट बैंक एक्सटेंड इट्स फंक्शन टू मल्टीपल स्टेट, मतलब उसका ब्रांच मल्टीपल स्टेट में है, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में रजिस्टर होगा। तो ये डिस्टिंक्शन एक देखिए, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है अपना अपना, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक, नाउ कोऑपरेटिव बैंक गवर्न्ड बाय दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। तो ये सारे जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं कोऑपरेटिव बैंक पे। कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, कोऑपरेटिव बैंक वो होता है जो कि जैसे कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन मतलब कुछ लोग पास साथ में, और कोऑपरेटिव बैंक उसमें कुछ लोग आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक एक बनाते हैं, उसमें जो ओनर होंगे वही कस्टमर होंगे, इस तरीके का एक एक बेसिक मॉडल होता है। लेकिन अब कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ बहुत इवॉल्व हो गया, बहुत सारा फंक्शन वो करता है। अब देखिए कुछ हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, इसमें कुछ कुछ चीजें जो याद करने लायक है। फर्स्ट नोन कोऑपरेटिव बैंक इन द सोसाइटी इन इंडिया वॉज अनोन्य सहकारी मंडली ऑर्गेनाइज इन अस्वाइल स्टेट ऑफ बड़ौदा, प्रिंसली स्टेट जो बड़ौदा था, इन 1889 अमेंडमेंट हुआ। तो इसमें जैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में आ गया था, कोऑपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू, अब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसमें क्या था, एक रिजर्व सब्जेक्ट था और एक ट्रांसफर था। तो वो था क्या था कि आपको पता है कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ, तो इसके पहले की जो चीजें होंगी वो ब्रिटिश के टाइम की बात हो रही है। तो 1919 में क्या हुआ कि बहुत सारा डिमांड हो रहा था, तो एक उसमें से जो लॉ बना, उस लॉ में क्या हुआ, लॉ में क्या किया गया कि जितना भी आइटम्स है मैनेजमेंट वाला, मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर है, लो फाइनेंस है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं,
तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जो लॉ, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ आइटम्स होगा और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास आइटम्स होगा काम का। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये चीजें दी गई थी, उस इस आइटम में से क्या किया गया था 1919 में, कुछ आइटम रिजर्व कर दिया गया था, कुछ आइटम ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, तो जो जो इसमें से जो आइटम रिजर्व रहेगा वो जो गवर्नर है उससे उसके लिए रिजर्व रहेगा, और जो ट्रांसफर्ड है जो आइटम वो क्या रहेगा, जो मिनिस्ट्री, जो कांग्रेस मिनिस्ट्री उसमें काम हुई थी उसके उसका दायित्व रहेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जो ट्रांसफर्ड काम है उसको करने का। ठीक है, तो ये जो हमारा कोऑपरेशन है वो कहाँ आ गया था, गवर्नमेंट इंडिया टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आ गया था, और एज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो यही बात ये हुआ था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्ट्री हमारे यहाँ बहुत पुराना है, ये मोटा मोटी आप जान लीजिए। अभी न्यूज में क्या होता है, देखिए क्या है ना, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क एक होता है, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो होता क्या है ना कि कोऑपरेटिव बैंक, अभी आप बहुत बार सुने होंगे कोऑपरेटिव बैंक जो है वो फेल हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हुआ, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मिसमैनेज कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन ऐसा मिसमैनेजमेंट आप SBI हुआ, ICICI हुआ इसमें नहीं देख रहे होंगे कि ऐसा मिसमैनेजमेंट होता है, वहां पे बहुत सिस्टमेटिक काम होता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, अब थोड़ा सा इनफॉर्मल नेचर हो जाता है, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट उस पर ओवरसाइट नहीं रहता था, ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट उसको ओवरसाइट कर रहा है, RBI उसको ओवरसाइट कर रहा है, तो बहुत सारा ड्यूअल रेगुलेशन की बात होती थी कि बहुत जो है उसमें फ्रेगमेंटेड रेगुलेशन था उसका। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि RBI का पावर बढ़ाया, RBI का पावर जो इस कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगा, मीन्स RBI रेगुलेट करने लगा इसको। ठीक है, अब जब RBI रेगुलेट, कोई बॉडी अगर किसी को रेगुलेट करेगा तो रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि दैट पर्टिकुलर बॉडी जो वो इससे एक्सट्रैक्ट करे अकाउंटेबिलिटी, मींस दिस थिंग शैल बी अकाउंटेबल टू दिस, एंड अकाउंटेबल मींस कुछ गलत काम हुआ देन RBI कैन पनिश दैट बॉडी, और RBI कैन फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दैट बॉडी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि RBI ने बनाया सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ये जो नाम है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक को बता दिया गया भाई तुम्हारे पास ये कंडीशन है तुमको मीट करना है, मान लीजिए कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, ये तुमको मीट करना है। ठीक है, अगर कोऑपरेटिव बैंक कंडीशन ए में फेल हो गया तो फेल होने के बाद RBI का रोल क्या होगा, अब RBI का रोल ये होगा कुछ एक्शन ले उस कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ, या बी में फेल हो गया तो एक्शन ले, या सी में फेल हो गया तो एक्शन ले। तो उस जो एक्शन है ना, जो लेना है, जो लेगा एक्शन वो क्या है, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क उसी को कहते हैं। इसी से मिलता जुलता प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके लिए होता है, उनके लिए भी ABC कुछ ऐसे रेगुलेशन दे दिया जाएगा कि आपको ABC मीन्स यू हैव टू फॉलो दीज नॉर्म्स, आइदर ABC मीन्स यू हैव टू फॉलो ए, फॉलो बी, फॉलो सी, एंड इफ यू वायलेट एनी ऑफ दीज नॉर्म्स देन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, देन यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू RBI। तो दैट पर्टिकुलर दिस मैकेनिज्म इज नोन एज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फॉर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेटिव बैंक। ओके, so what RBI will do in this, suppose one cooperative bank failed to adhere to this standard A, so that RBI will say ki, okay now since you have failed to adhere to this standard A, I am putting some restrictions on your activity, so, like you cannot give loan beyond 1 lakh rupees, or you cannot issue credit card, or you cannot function like this, means they can RBI can impose multiple restrictions on that particular cooperative bank, so that unless and until that particular cooperative bank starts adhering to the this point number A or B or C whatever, then only that restrictions will go away. So this is a sort of accountability extraction mechanism developed by RBI or cooperative urban cooperative bank. Okay, now under the provisions of Banking Regulation Act of 1949, RBI is entitled to assess financial position of a bank and issue directions instructions therein. Okay. The RBI had introduced the supervisory action framework in 2014 to better manage stressed urban cooperative bank. Stressed मतलब stressed, जो अगर आप सुनेंगे stressed bank, तो bank को stress कब होगा ये बताइए, आपको stress कब होता है, stress आपको तभी होगा ना जब आप जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता है, तो आपको stress होगा, या आपका जो basic functioning है, जो आपका role है, responsibility है, you are not able to fulfill that, then you will feel stress. Your role and responsibility is to prepare for this examination, to work hard. And okay, so bank का क्या responsibility है? तो bank का responsibility ये है कि जैसे उनको profit हो, वो inclusion कर पाए. So these things means एक
अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो चलिए प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बट बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फाइनेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सके. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक. नाउ इफ यू वांट टू दे वांट टू मैनेज द फाइनेंसेस मींस दे हैव टू, अगर आप लोन दे रहे हैं किसी को, इफ दे आर डिसबर्सिंग द लोन देन दे हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर लोन. सपोज पर्सन एक्स ही केम टू द बैंक एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट लोन कि आई वॉन्ट 5 लाख रुपीज लोन, 5 लाख रुपीज लोन. ओके, सो दैट पर्सन एक्स वेन ही एंटर्ड इन द बैंक ही वॉज वेयरिंग लाइक रोलेक्स वॉच, अरमानी शर्ट एंड देन जीन्स एंड ऑल, है ना, बहुत सारा महंगा महंगा फोन लेके घुसा. बोला कि भाई 5 लाख लोन चाहिए. तो अब देख के लगा कि भाई वो तो बहुत अमीर आदमी है. ठीक है, तो अब इतने अगर इसी डेटा पे, इसी पर्टिकुलर डेटा पे आप 5 लाख लोन दे दिए कि भाई इतना अमीर आदमी है 5 लाख तो दे ही देगा वापस, तो इज इट करेक्ट या इज इट प्रूडेंट? नो, इट्स वेरी फुलिश डिसीजन. फाइनेंशियली इट इज नॉट प्रूडेंट डिसीजन. सो बैंक का रोल क्या होगा कि उसको और जाके डीपली उसको देखे कि एक्स पर्सन का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है. आफ्टर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ देन ओनली बैंक शैल प्रोवाइड लोन, यही होना चाहिए. लाइकवाइज बहुत सारा ऐसा वो होता है केसेस में देखा गया है कि कोई भी नेपोटिज्म, मतलब बैंक मैनेजर कोई रिश्तेदार आया, रिश्तेदार आकर के बोला कि हमको यार 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख 5 लाख लोन चाहिए, दे दो. बैंक मैनेजर क्या हुआ कि उसको लोन दे दिया. अब वो चुका नहीं पाया, अगर ये भी नहीं चुका पाया, मान लीजिए वो भी नहीं चुका पाया, तो वो जब चुका नहीं पाता है तो वो क्या होता है, क्योंकि बैंक का जो लोन होता है बैंक के लिए क्या होता है, वो एसेट होता है ना बैंक के लिए. दैट लोन इज एसेट. बाई वाई बैंक इज गिविंग लोन? टू अर्न सम मनी, टू अर्न सम मनी वाया इंटरेस्ट. मीन्स प्रिंसिपल उसको वापस मिलेगा ही मिलेगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. तो दिस इज एन एसेट, लोन इज एन एसेट. बट दैट एसेट, दैट पर्टिकुलर एसेट इज नॉट, बिकॉज सिंस दैट पर्सन द रिलेटिव ऑफ दैट बैंक मैनेजर इज नॉट रिपेइंग दैट, नॉर ही इज गिविंग द इंटरेस्ट, नॉर ही इज एबल टू रिपे द प्रिंसिपल. सो दैट पर्टिकुलर एसेट इज नॉट परफॉर्मिंग, बिकॉज दिस, इफ दिस एसेट वुड हैव परफॉर्म्ड, it means bank was getting interest as well as bank will get principal, but since bank is neither getting interest nor principal, so that particular asset is not performing. So non-performing asset, ये non-performing asset create होने लगता है. जब non-performing asset create होगा तो क्या होगा, stress होगा bank में, bank पे stress होगा, bank अपना finance manage नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे ही stressed cooperative bank जितने थे उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई केम अप विद सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क. सुपरवाइजरी एक्शन इट इज सिमिलर टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इम्पोज्ड ऑन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि तीन जो एबीसी आपको मैं एग्जांपल दिए थे कि एबीसी, तो तीन यहाँ पे इंडिकेटर्स है. फर्स्ट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सेकेंड इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड थर्ड इज रिटर्न ऑन एसेट. रिटर्न ऑन एसेट, ये तीन इंडिकेटर है. ठीक है, अब तीन इंडिकेटर इसमें क्या है कि व्हेन नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक्सीड्स 6%, मतलब ये जो है 6% से अगर ऊपर हो गया तो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क किक इन हो जाएगा. व्हेन लॉसेस आर इनकर्ड फॉर 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, जब लॉस 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब 2020 में भी लॉस में रहा, 2021 में भी लॉस में रहा, 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में, और losses have accumulated on the balance, या balance sheet पे हम net loss दिखा रहा है, या capital adequacy ratio वो 9% से नीचे हो जाए, capital adequacy ratio 9% से नीचे हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, इन तीन केस में आपका सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को वो अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं ये इसका मतलब क्या होता है इन तीनों चीज का. तो आपको धीरे धीरे करके ना एक एक कंसेप्ट ऐसे अपना क्लियर करते रहना है. जैसे जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप पढ़ते ही समझ जाए कि ये क्या है, या आपका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो इसको आप पढ़ते ही समझ जाए कि ये क्या है. मीन्स दीज फॉर दीज कंसेप्ट यू शुड नॉट गो बैक टू योर नोट्स, क्या आप अपने नोट्स में वापस जा रहे हैं देखने के लिए कि अच्छा भाई इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तो ऐसे तो फिर आप देखते रहेंगे. इसलिए इसका ये सब बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए. हाँ, निटिग्रिटी उसका माइक्रो एस्पेक्ट वो आप भूल सकते हैं, बट ओवरऑल थीम, ओवरऑल उसका उसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो नहीं भूलना है. ठीक है, तो देखिए अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट. ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है. ठीक है, इसको एकदम बिल्कुल मतलब देसी भाषा में समझ लीजिए,
कैपिटल एडुकेसी रेशियो उतना पैसा बैंक के पास हो कि अपना बैंक मेंटेन कर ले सब चीज। जैसे कि टीयर वन कैपिटल क्या होता है, मान लीजिए टीयर वन कैपिटल ऐसा हुआ कि बैंक ये अगर पैसा यूटिलाइज हो गया, मान लीजिए बैंक लॉस में जा रहा है तो बैंक कैसे भरपाई करेगा ना। तो अगर टीयर वन कैपिटल लेकर के बैंक भरपाई कर रहा है तो क्या होगा उसमें कि बैंक बिना बंद हुए अपना काम कर लेगा। मतलब वो बैंक बैंक का मान लीजिए 100 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है, बैंक का 100 रुपए का नुकसान हुआ, कि 100 रुपए का भरपाई तो करना पड़ेगा ना बैलेंस शीट में, तभी तो बैंक आगे फंक्शन करेगा। तो वैसा कैपिटल जिसको यूटिलाइज करके बैंक अपना भरपाई कर ले, ठीक है, बैंक अपना भरपाई कर ले, और उससे क्या होगा, बैंक जब अपना भरपाई कर लेगा तो उस अगर बैंक चलने लगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे टीयर वन कैपिटल। टीयर टू कैपिटल क्या होता है कि टीयर टू बैंक अपना सब कुछ बेच बाच के, मतलब बैंक लिक्विडेट हो जाएगा, बैंक अपना बेच बाच के अपना क्या करेगा, अपना लॉस का भरपाई कर लेगा, तो यहाँ फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टीयर वन कैपिटल अपॉन टीयर टू कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है, ये 9% से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मिनिमम 9%, आरबीआई बोलता है मिनिमम 9% होना चाहिए इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, और इसका मिनिमम वैल्यू 9% होना चाहिए। क्योंकि इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे ना, आप बेसल नॉर्म्स भी पढ़ेंगे, बेसल नॉर्म्स है ना, वो बैंकिंग रिलेटेड बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री, तो बेसल नॉर्म्स है, तो बेसल नॉर्म्स में भी आप इसके बारे में देखेंगे, चर्चा हुई है कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में। तो अब अगर मान लीजिए कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो 8% हो जाए तो क्या होगा, उस पर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क किक इन हो जाएगा। तो कैसा क्या चीज होगा उसमें, क्या होगा, अब लोन देना बंद करो, आरबीआई बोलेगा अब नया लोन मत दो, या लोन जो भी लोन दोगे उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो इस टाइप का कुछ भी कर सकता है आरबीआई उसमें, ठीक है। ऐसे ही अगर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% एक्सीड हो जाए, तो देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो आप समझ गए हैं, तो नेट और ग्रॉस एक सिंपल एनालॉजी समझ लीजिए, नेट और ग्रॉस क्या होता है, ये बहुत जगह आपको इकोनॉमिक्स में टर्म आएगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई डिब्बा रसगुल्ला का डिब्बा खरीदते हैं, रसगुल्ला का जो टिन वाला डिब्बा आता है वो आप खरीदते हैं, ठीक है, तो टिन वाले डिब्बे में मान लीजिए लिखा है नेट वेट, नेट वेट, तो रसगुल्ले का वेट अगर मान लीजिए नेट वेट लिखा है 1.2 kg, ठीक है, और अगर ग्रॉस वेट लिखा मान लीजिए बाहर, और लिखा है मान लीजिए नेट वेट 1 kg लिखा, ग्रॉस वेट लिखा 1.2 kg, तो यहाँ पे क्या है कि 200 ग्राम जो है वो वेट किस चीज का है, वो टिन टिन का वेट है जो डिब्बा पैकिंग है, और नेट आइटम उसमें कितना है 1 किलो का है। सोन पापड़ी खरीदते हैं आप, तो डिब्बे का वेट अगर लिखा है 1.2 kg, मतलब ग्रॉस वेट अगर लिखा है 1.2 kg, तो सोन पापड़ी का जो पैकिंग है प्लास्टिक कवर उसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्रॉस, उसको और सोन पापड़ी को मिला के ग्रॉस वेट। नेट वेट क्या होगा, सिर्फ जो सोन पापड़ी का कंटेंट है, तो इसको हम लोग कह देंगे नेट वेट। तो ऐसे ही ग्रॉस और नेट, मतलब जनरली कहता हूँ ग्रॉस ज्यादा होता है नेट कम होता है, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत जगह आप इसको ग्रॉस और नेट को आप जो है बहुत जगह पढ़ेंगे इस चीज को। तो देखिए अब यहाँ पे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का आप बेसिक ही जानिए हैं कि ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका डेफिनेशन है कि 90 दिन होना चाहिए, 2 साल एग्रीकल्चर के लिए अलग है, तो वो सब आप जो नीटिंग ग्रीटिंग डिफरेंस आप बाद में पढ़िएगा, अभी पहले कंसेप्ट जानिए। तो होता क्या, मान लीजिए कि कोई बैंक है उसके पास जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट है कुछ, तो जब नॉन परफॉर्मिंग मान लीजिए 100 रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है, तो होता क्या ना, एक प्रोविजनिंग नॉर्म होता है, प्रोविजनिंग नॉर्म। ये प्रोविजनिंग नॉर्म क्या करता है कि इसमें मान लीजिए 10% है प्रोविजनिंग नॉर्म, 10% प्रोविजनिंग नॉर्म है, तो होगा क्या, अगर कोई बैंक 200 रुपया लोन दे रहा है, कोई बैंक 200 रुपए लोन दे रहा है, देन बैंक हैव टू कीप असाइड ₹20, 10% ऑफ 220 फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट, वो एक अलग जगह ऐसे रखा रहेगा। मान लीजिए बिल्कुल एनोलॉजी दे रहे हैं कि ये एनोलॉजी की 20 रुपए जो है वो बैंक अपने तरफ से लेके कहीं अलग रख देगा, और वाई दिस इज दिस प्रोविजनिंग नॉर्म, सो डेट मान लीजिए कि इफ दिस ₹200 जो है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाए एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, तो एटलीस्ट ये ₹20 बैंक जो है इसमें इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देगा, बोलेगा चलो ₹20 रिकवरी हो गया। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बस, मीन्स हर लोन पे अगर 10% प्रोविजनिंग नॉर्म है तो हर नए लोन पे उतना परसेंट पैसा बैंक विल कीप असाइड, अगर इन फ्यूचर अगर वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, देन बैंक फ्रॉम इट्स ओन मनी इट विल पुट इनटू दैट अकाउंट एंड इट विल से ओके वी हैव रिकवर्ड ₹20, एक एनालॉजी आप समझिए, ठीक। नाउ दिस ₹200 अगर ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया,
ग्रॉस एनपीए क्या हो जाएगा, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हो जाएगा, ये पूरा 200 हो जाएगा, और नेट एनपीए क्या हो जाएगा, ये 180 रुपए. क्यों? बिकॉज दैट 20 रुपीज वर वॉज केप्ट असाइड फ्रॉम बैंक साइड. नो, ही विल नॉट गिव 180 रुपीज टू द बॉरोअर. सी, ही विल नॉट गिव 180 रुपीज टू द बॉरोअर. वॉट इज द थिंग इज दैट, लुक, सपोज 10% इज द प्रोविजनिंग नॉर्म. 10% इज द प्रोविजनिंग नॉर्म. तो वट इट विल बी लाइक दिस. मान लीजिए 200 रुपए बैंक लोन दिया, किसको दिया, पर्सन ए को लोन दिया 200 रुपए. तो वट विल हैपन, 20 रुपीज जो है ना, बैंक अपने जेब से एक अलग जगह रख देगा. अपने जेब से अलग जगह एक 20 रुपए का जमा कर दिया. आप ऐसे समझिए, 20 रुपए एक जगह रख दिया, वो जमा कर दिया. अब क्या है ना कि फ्यूचर में अगर ये 200 रुपए वो नहीं लौटाया, पर्सन ए जो है नहीं लौटाया, तो क्योंकि 20 रुपए तो ऑलरेडी वो अलग इस लोन के अगेंस्ट रखा था, तो वो 20 रुपए जो है ना जा करके, क्योंकि अगर ये नहीं लौटाएगा तो बैंक का जो बैलेंस शीट बनेगा, तो ये 200 रुपए तो नेगेटिव में चला जाएगा ना. 200 रुपए तो लॉस में दिखाएगा कि भाई पैसा बैंक दे दिया, वापस नहीं आया. तो 200, लेकिन 20 रुपए क्योंकि बैंक पहले से ही मान के रखा था कि हम अलग रख दे रहे हैं, तो अब जो नेट लॉस उसका होगा उसमें से 20 रुपए घटा देगा. मीन्स नेट लॉस 180 हुआ. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जा तो रहा है 20 रुपए बैंक का, ये भी बात सही है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट में से निकाल के देगा. ठीक है, मान लीजिए उसका उस साल 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, तो 80 रुपए प्रॉफिट होगा, ये 20 रुपए चला जाएगा इधर, और इसको कैलकुलेट क्या किया जाएगा कि नेट लॉस उसका 180 हुआ है. ठीक है, तो ये जो नेट है ये नेट एनपीए हो जाएगा, और जो 200 है वो ग्रॉस एनपीए हो जाएगा. नेट है वो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए. ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये एक कैलकुलेटिव चीज है, तो इसको आरबीआई ऐसे प्रोविजनिंग नॉर्म लाता है. तो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए का डिफरेंस ये होता है. ठीक है, तो अब अगर हमारा जो नेट एनपीए वो 6% से ज्यादा एक्सीड कर गया, तो क्या होगा हमारा, वो क्या चीज की हो जाएगा, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क. और एक चीज क्या था, 2 साल से लगातार 2 साल से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉस में चल रहा है, लगातार 2 साल से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉस में चल रहा है, देन ऑल्सो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क किक इन हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ जो है चीजें जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है. अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना क्या है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप पढ़ लिए, तो अगर आपको होमवर्क पूछते हैं तो आप इस सब चीज करके आइएगा, और इसका नोट्स आप बना लीजिए. और नोट्स बहुत डिटेल्ड नोट्स नहीं अभी बनाना, अभी सब चीज आप लोगों को, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है और अभी शुरू कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, तो अभी क्या है, बहुत डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाना है. क्यों डिटेल नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि आप अभी, आपको ये अंदाजा नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको पहले एक एक आइडिया लेना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और गुड नोट्स, बिकॉज यू स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया, सो यू विल एंड अप राइटिंग अबाउट ऑल द यूजलेस थिंग्स. तो हमारा गोल क्या था शुरुआत में, आई टोल्ड यू दैट आवर गोल शुड बी टू प्रिपेयर वन कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, सो दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग द सेम नोट्स व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग. ओके, तो लेकिन वो नोट्स क्या होना चाहिए, वो नोट्स जो है 60% ऑफ, अच्छा आप क्या नहीं समझ पाए, नहीं एडवांसेस, लोन्स, जो एडवांसेस क्या होते हैं, जितने लोन दिए जाते हैं, एडवांसेस मीन्स लोन जो दिए जाते हैं. ठीक है, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस नोट्स, कि ताकि वो जो नोट्स आपका हो, ताकि एक क्रिस्प फॉर्म में हो. ओके, तो इसीलिए आप अभी नोट्स कैसे बनाएंगे, आप बेसिक, आपके देखिए होमवर्क क्या आपके लिए रहेगा, आप एक चार्ट बनाइए, कमर्शियल बैंक देन कोऑपरेटिव बैंक, फिर कमर्शियल में शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड, कोऑपरेटिव में रूरल और अर्बन, फिर रूरल एरिया में आते हैं पीएससीएस आता, बहुत सारा आता, और अर्बन एरिया में क्या क्या आते हैं. ठीक है, तो ऐसे एक चार्ट आप बना लीजिएगा और देख लीजिए कि बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ है, वो बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है उसमें. ठीक है, ये आप करके आइएगा इतना. ठीक, तो होप यू अंडरस्टूड दीज टू टॉपिक्स थरली. ठीक है, ये दो टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे और ये भी समझ गए होंगे, आइडिया एक लग गया आपको कैसे पढ़ना है. बेसिक चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है, बेसिक चीजें जो है, ये नहीं होना चाहिए कि वो बेसिक चीज आप, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा हो, मतलब उसको रिवाइज आपको तो बार बार घुस के रिवाइज ना करना हो, ये बेसिक चीज आपके दिमाग में रहे परमानेंट. दैट विल गिव यू मोर क्लियरिटी, दैट विल गिव यू, दैट विल हेल्प यू व्हाइल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर. ओके, so if there is any confusion then you can ask. Sarfaesi Act. Okay, Sarfaesi Act, you know Sarfaesi Act जो हमारा है, अब आप सुने होंगे ना कि मैं, अभी देखिए अभी हम बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग को, बहुत मतलब टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप लोग को बस एक एक, एक पता है उसको भावना को समझाते हैं हम. ठीक है, देखिए सार्फेसी एक्ट क्या था, आप सुने होंगे ये चीज कि मान लीजिए आप लोन लेने गए, तो घर, उसमें घर का कागज जमा किए, कोई आदमी लोन लेने गया, वो घर का कागज जमा किया एज अ कोलेट्रल,
तो कोलेटरल में घर का कागज जमा किया, कोलेटरल का कागज जमा किया, कागज जमा करने के बाद क्या होता है कि अब लोन चुकाना मतलब चुका नहीं पाया लोन वो, ठीक है। मान लीजिए वो 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक, 1 करोड़ का लोन लिया और उसका घर का जो था वो 2 करोड़ उसका वैल्यू था घर का, ठीक है। अब 1 करोड़ में से वो क्या क्या 30 लाख रुपए चुका दिया वो, अब उसका बचा कितना आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 70 लाख रुपए। अब ये जो घर का कागज वो जमा किया एज अ कोलेटरल, नाउ बैंक के पास इसी एक्ट के थ्रू पावर आता है कि वो 2 करोड़ रुपए का जो जो कागज है उसको नीलाम कर दे। जब नीलाम करेगा तो नीलाम करने के बाद अब या तो चुकाइए या तो नीलाम करेगा, नीलाम करने के बाद वो जितना भी पैसा लाएगा, अब 2 करोड़ रुपया कहीं लिखा थोड़ी होगा कागज पे कि आपका घर 2 करोड़ का हो, वो तो मार्केट वैल्यू जिस समय होगा उसी पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए मार्केट वैल्यू उस समय आरबीआई जिस बैंक उसको 1.5 करोड़ में ही बेच पाया, उसका बिडिंग होगा, बोली लगेगा जो दे जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वो ले लिया, ठीक है। तो मान लीजिए 1.5 करोड़ में ही बेच पाया तो बैंक क्या करेगा, 70 लाख रुपए पहले तो अपना रख लेगा, वो 80 लाख रुपए आपको वापस देगा, ठीक है। तो सारफेसी एक्ट जो ना ये पावर देता है, सारफेसी एक्ट जो पावर देता है बैंक को कि वो ये काम कर सके। तो अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लोन जो सिक्योर्ड लोन है, इसे एक टर्म आता है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन मीन्स, सिक्योर्ड लोन मीन्स ऑल दोज लोन्स दैट आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द कोलेटरल, आप उसमें कुछ जमा किए हैं, कुछ मॉर्गेज है ना, तो इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। तो ओनली सिक्योर्ड लोन इज एप्लीकेबल, मीन्स सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिक्योर्ड लोन, क्योंकि जब आप कुछ कोलेटरल ही नहीं जमा किए हैं तो सरफेस तो बेचेंगे क्या, हवा तो बेचेंगे नहीं, समझ में आ रही बात। तो ओनली सिक्योर्ड लोन, तो ये किसमें इंपॉर्टेंट चीज है सरफेस। ऐसे मल्टीपल एक्ट्स हैं हमारे यहाँ, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना दिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना दिया है, उसके थ्रू भी बहुत सारा कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये सब डिटेल में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, डिटेल में धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, उसकी कोई परेशान मत रहिए इसको, ओके। तो एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन और दिस टॉपिक और लेक्चर? यस ऑब्वियसली ऑलमोस्ट डेली करंट अफेयर क्लासेस एंड यू कैन कंफर्म विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग इट, नो एनी डाउट? How to prepare for current? So, if you are a first attempter, अगर आप first attempt है आपका है तो आपके पास क्या क्या सोर्स है? First, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सिलेबस, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और उसको अपने पास रख लीजिए। ये ऐसा नहीं कि ये लोग कहते हैं कि जो है मतलब प्रोसीजरल एस्पेक्ट नहीं, ये सही में हेल्प करता है, वो सही में हेल्प करता है इस चीज को। तो पहले तो आप क्या कीजिए, सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद क्या कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा जो है जैसे मतलब एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स का देखते रहिए, मेंस बस देखिए, सॉल्व मत कीजिए, बस देखिए उसको, ठीक है। ये सब साइड में करते रहिए पैरेलली, और पैरेलली फिर क्या होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें यूपीएससी प्रिपरेशन का जो इनिशियल स्टेज होता है ना वो बहुत ज्यादा बर्डनसम होता है, जो इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में क्या आपको लगेगा, इनिशियल स्टेज में लगेगा कि आपका कुछ हो नहीं रहा है, मतलब क्योंकि देखिए एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती है शुरुआत में, तो यू विल फील लाइक कि आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग। तो ये जो इनिशियल स्टेज को अगर आप ओवरकम कर गए ना तो यू विल मेक थ्रू, बट इनिशियल स्टेज में आपको बहुत अच्छे से रखना है। तो उसमें करना क्या है आपको, न्यूज़पेपर पकड़ना है। अब न्यूज़पेपर में आप अगर मान लीजिए एकदम राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर का आप क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा जैसे न्यूज, अगर आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना भी तो थोड़ा थोड़ा न्यूज आप देखते जा रहे हैं, हेडिंग पढ़ रहे हैं, अंदर का पढ़ रहे हैं, लेकिन एडिटोरियल एक आता है, एडिटोरियल, एडिटोरियल जरूर पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ते वक्त क्या कीजिए कि अगर आपको एक एडिटोरियल पढ़ने में शुरुआत में अगर बहुत टाइम लग रहा है तो देन गिव वर्थ है टाइम आपका। अगर आपको 1 घंटा लग रहा है पढ़ने में एक एडिटोरियल अभी, तो आप दीजिए उसको अभी शुरुआत में कुछ दिन दीजिए तो उस, लेकिन उस 1 घंटे में ऐसा नहीं कि क्योंकि आप पढ़ना तो आपको आता ही है ना, कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ये तो आता ही होगा आपको, बचपन से पढ़ रहे हैं चीजें, बस क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक आपको टॉपिक नहीं आता। मान लीजिए यही कोऑपरेटिव बैंक का आपको एडिटोरियल आया तो आपको नहीं पता होगा, तो उसमें आपको कीवर्ड मिलेगा कुछ, जैसे मैंने आपको ना 10 new things यू लर्नड, ओके, तो आपको कुछ कीवर्ड मिलेगा जो आपको नहीं पता होगा। तो फॉर एग्जांपल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही आपके पास आ गया, वो आपको नहीं पता क्या होता, देन गो टू गूगल, गूगल कीजिएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। तो ग्रेजुअली ना आप धीरे 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 ये एक्सरसाइज करते रहेंगे 10-15 दिन 20 दिन, तो धीरे धीरे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगा। जब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होने लगे देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। अब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपका डेवलप हो जाए, सिलेबस पढ़ रहे हैं आप, PYQs देखते चल रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेगा एक आपको एक आइडिया दे देगा कि ओके दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। और
देन जैसे जैसे आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये अगर आप क्लास अटेंड करते रहेंगे तो आपको एक भी आइडिया मिलता रहेगा, अच्छा ठीक है ये न्यूज इंपॉर्टेंट था, इसको कैसे पढ़ना है, उसमें कितना डेप्थ में जाना है, कितना डेप्थ में नहीं जाना है। ये करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका रोल आप इस साल का पेपर भी देखिए, जाके GS 1 2 3 4 उठा के देखिए, जो भी मेंस हुआ है आप देखिए उसमें करंट अफेयर का कितना रोल है। तो करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, तो यू शुड जो है फोकस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और करंट अफेयर मतलब क्या है कि बेसिक का ही कुछ करंट आस्पेक्ट है उसका, वो तो है वो बेसिक ही। वो आज से करंट अफेयर मान लीजिए जो आज 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 का जो बेसिक आप पढ़ रहे हैं ना, वो 4 साल पहले का उस करंट में रहा होगा। जैसे मान लीजिए सरफेसी एक्ट किसी ने पूछा, तो सरफेसी एक्ट जब आया था तो उस समय वो करंट में रहा होगा, आज वो बेसिक हो गया है। समझ में ही बात ना, तो इसके बहुत कुछ आर्टिफिशियल डाइकोटोमी मत क्रिएट कीजिएगा कि ये करंट का एस्पेक्ट है, ये वो है बेसिक, उसी को आपको करते चलना है। तो पहला स्टेप आपका रहेगा न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर के साथ एडिटोरियल पढ़ना है। अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी किसी एक दो तीन चार टॉपिक का, रोज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई ये कैसे चीजें कवर हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेजुअली इट विल टेक 1 month टाइम टू मींस एक फ्लो में आने में आपको 1 महीना लगेगा, लेकिन वो 1 महीना आपको इंटेंस मेहनत करना है। आपको सिलेबस देखते रहना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना है, आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सब हैबिट मिल जाएगी धीरे धीरे, देन ओनली यू विल एबल टू डू दैट। ओके सर, किसी एक टॉपिक का हॉलिस्टिक अप्रोच कैसे डेवलप करें? ओके तो मीन्स हॉलिस्टिक हाउ टू मेक नोट्स। देखिए हॉलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने के लिए वही है, हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या है, 360 डिग्री अप्रोच होना चाहिए। तो अभी उस टेम्पटेशन में मत पड़िएगा कि आप एक होलसम 360 डिग्री अप्रोच डेवलप करना है आपको टॉपिक का, नहीं तो क्या होगा ना, आप एक टॉपिक को लेकर पढ़े रहेंगे दिन भर, अब आप उसी में घुसते रहेंगे घुसते रहेंगे घुसते रहेंगे घुसते रहेंगे और फिर अननेसेसरी चीजें पढ़ते रहेंगे, है ना। तो अभी क्या करना है ना आपको, अभी आप क्या कीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए कोई चीज आप न्यूज में पढ़ते हैं, तो उसका एटलीस्ट जो लिखा हुआ है उस आर्टिकल में, एटलीस्ट उन सारे वर्ड का आप मीनिंग जान लीजिए, और ग्रेजुअली आपका हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। कैसे, जैसे आप मान लीजिए कि जीएस का जो बेसिक आस्पेक्ट पढ़ेंगे बेसिक, तो धीरे धीरे आपको वो रिलेट करते चलेंगे, वो डेवलप हो जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा देखिए टाइम देना पड़ेगा, ये सब चीज को बहुत ज्यादा हड़बड़ा कोई भी नहीं। देखिए टॉपर भी था वो भी पहले चैप्टर से शुरू किया, वो भी पहले दिन न्यूज पेपर पढ़ा होगा, जो टॉपर है पहला चैप्टर पहला पेज सारे टॉपर वहीं शुरू करते हैं। तो आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रहिए, लेकिन हार्ड वर्क करते रहिए। जब हार्ड वर्क करेंगे, ये एक्सरसाइज जब करने लगेंगे ये वाला एक्सरसाइज, तो उस एक्सरसाइज में क्या आपका होगा, धीरे 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 आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगे अपने आप, आपके लेवल जो थॉट मेच्योरिटी आ जाएगी थॉट में, फिर आप ऑटोमेटिकली आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इशू है, इसको हम यहाँ से और रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओके दिस टॉपिक कुड बी रिलेटेड टू दैट एस्पेक्ट, है ना। तो वो धीरे धीरे आपका डेवलप होगा, डोंट वरी इट विल टेक टाइम, बट उसमें आपको मेहनत मेहनत में करना क्या है, मेहनत में सिर नहीं पटकना दीवार में, मेहनत में करना क्या है, बेसिक रिवाइज करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, और थोड़ा करंट अफेयर के बियॉन्ड जाना, मतलब करंट अफेयर जो आप देख रहे हैं उसको आप गूगल कीजिए, उस टर्म्स को गूगल कीजिए, अपने सर से पूछिए, अपने नोट्स में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है अगर आपके नोट्स में मिसिंग है तो उसको लिख लीजिए वहाँ पे डेफिनेशन। तो ये सब आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना रहेगा, और शुरुआत में आपको दिक्कत ये भी आएगी ना कि नोट्स आपका बहुत क्लटर्ड हो जाएगा, मतलब अपडेट करना ये करना, तो इसलिए क्या कीजिए कि अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं तब तो वो अच्छी बात है बहुत, तब तो आपको एडिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एडिट करते चलेंगे। लेकिन अगर ऑफलाइन नोट्स बना रहे हैं, तो ऑफलाइन नोट्स में मैंने आपको बोला कि अगर आपका पेपर इतने साइज का पेपर है तो 30% वहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिए आप, कोई भी अगर आप क्लास जा रहे हैं तो 30% उस सब्जेक्ट का ब्लैंक छोड़ दीजिए, ताकि फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहाँ आपको ऐड करना हो प्रीलिम्स के टाइम पे, आप कंसोलिडेटेड सोर्स चाहेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको हेल्प करेगा वो आगे चल के। ओके एंड भाई नोट्स करंट प्री और मेंस का, अगर आपको करंट अफेयर का नोट्स बनाना है तो कुछ सेग्रीगेट मत कीजिए कि ये प्री का है मेंस का है, आप एक इशू वाइज नोट्स बनाइए, इशू वाइज पढ़िए, क्योंकि आप ये सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये प्री में ही पूछेगा या मेंस। हाँ जैसे कुछ टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं पूछता है, ठीक है वो बात नहीं है, बात यह है कि वो करंट अफेयर जो है इशू है वो जरूरी नहीं है कि वो प्री में है या मेंस में, आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, क्योंकि प्री में भी अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आप प्री को ऑप्शन मीन्स, ये सब आर्टिफिशियल डिवीजन है प्री मेंस और ये सब, ठीक है इसको आप कर अभी अभी इशू वाइज पढ़िए, इशू को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको अभी एनपीए का डिटेल्ड आपको हम वो नहीं बताए हैं कि 90 दिन होगा, दो एग्रीकल्चर लोन उसके लिए अलग होगा, ठीक है उसमें करना क्या है ना कि उसमें आपको अभी आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए आप, वो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप प्रीलिम्स के टाइम पे जब आप 1-2 महीना प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेंगे तो जो छोटा छोटा फैक्ट है छोटा रूल्स है वो सब अपने आप याद होगा, ठीक है तो उसके लिए परेशान मत होइए। ओके एनी अदर डाउट?
ओके सर, हाँ पीडीएफ आई ट्राई टू अपलोड द पीडीएफ। ओके, तो होपफुली विल मीट टुमारो एंड देन विल कम विद सम अदर टॉपिक रिगार्डिंग सम करेंट न्यूज एंड विल डिस्कस दैट एस्पेक्ट आल्सो। ओके ओके, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।